नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में सियासी संग्राम का हल निकालने में नाकाम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान को खत्म करने का जिम्मा प्रदेश प्रभारी अजय माकन को सौंपा गया था और अब वो ही विवादों में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि अजय माकन जिस तरह से नियुक्तियां करवाना चाहते हैं, सीएम गहलोत ने उस पर नाराजगी जताई है और यही कारण है कि गहलोत माकन से बात नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि माकन ने कई बार सीएम गहलोत से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन सीएम उपलब्ध नहीं हो सके। राजनीतिक गलियारों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि संगठन में नियुक्तियों के लिए माकन ने जो नाम प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखे हैं, उनको लेकर पायलट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपत्ति है। यही कारण है कि बार बार तारीख देने के बावजूद माकन सत्ता और संगठन में नियुक्तियां नहीं करवा पा रहे हैं। गहलोत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि माकन से न तो सीएम बात कर रहे हैं और न ही वे पायलट और डोटासरा की प्राथमिकता में हैं। माकन की जिद से नाराज नेता माकन जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर अवधेश शर्मा को नियुक्त करवाना चाहते हैं, जबकि राज्य और जयपुर के अधिकांश नेता शर्मा की नियुक्ति के खिलाफ है। हाल ही में मुख्य सचेतक महेश जोशी के साथ दिल्ली में माकन से मुलाकात की। माकन के साथ ही जोशी भी शर्मा को अध्यक्ष बनवाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसी तरह सरकार में नियुक्तियों को लेकर भी माकन ने कई ऐसे नाम सीएम तक भेजे हैं जो विवादास्पद है। सीएम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन माकन जिद पर अड़े हुए हैं। इसी बीच एक बार फिर विधायक वीरेंद्र सिंह, हरीश मीणा, जीआर खटाना व वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट से मुलाकात की। पायलट खेमे के नेताओं ने आलाकमान द्वारा सीएम से सत्ता व संगठन को लेकर फैसले नहीं करा पाने पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चल रही खींचतान के बीच पायलट समर्थकों ने कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स पर सचिन पायलट की फोटो के साथ लिखा हुआ है कि पायलट आ रहा है। वहीं कुछ होर्डिंग्स पर सचिन पायलट को भावी सीएम भी बताया गया है। सूत्रों के अनुसार ये होर्डिंग्स एक रणनीति के तहत लगाए गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति किस ओर करवट लेती है, ये देखने वाली बात होगी।